प्राण प्रतिष्ठा की जमकर तैयारी चल रही है और अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डिटेलिंग सामने आ रही है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमानों को प्रसाद दिया जाएगा, उनको विशेष प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद में मेवे के लड्डू, अक्षत और रोली होगी। प्रसाद में इलायची दाना भी दिया जाएगा। मैं सीधे चलता हूं, मेरी सहयोगी प्रतिमा इस वक्त मेरे साथ है। प्रतिमा बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है। जी निशांत, बिल्कुल आपको बता दूं कि अयोध्या नगरी में इस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐसे में 7,000 से ज्यादा जिन अतिथियों को निमंत्रण मिला हुआ है इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, उनको लेकर जैसा कि TV9 भारतवर्ष ने बताया कि विशेष तरीके का प्रसाद उनको दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि शायद उन्हें अयोध्या की मिट्टी भी दी जाए। इस बीच तस्वीरें, चूंकि TV9 भारतवर्ष लगातार कह रहा है कि आप तक पहुंचाएगा, तो कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ तैयारियों की। ये जो घाट है वो पूरी तरीके से सजदज कर तैयार है और यहाँ पर बहुत सारे दिए लाकर रख दिए गए क्योंकि दीपोत्सव भी मनाया जाना है। तो ये कार्यक्रम सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद जो दिवाली मनाई जाएगी उसकी भी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों तक अनवरत पहुंचाता रहेगा। और इसी कड़ी में आप देखिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो देर रात भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो मुस्तैदी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, जो यहाँ पर लगातार पहरा दे रहे हैं क्योंकि ये बात सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि ये जो तमाम इलाके इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं बेहद हाई प्रोफाइल इलाके हैं और ऐसे में यहाँ पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसी को सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है। दिए यहाँ पर रख दिए गए हैं जिन्हें कल जलाया जाएगा और अयोध्या में दीपोत्सव एक बार फिर से मनाया जाएगा। दिवाली जैसा माहौल कल अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। निशांत, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल की तैयारी के बीच जो सुरक्षा है वो बड़ी चाक चौबंद कर दी गई है, यहां तक कि मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं। बताइए जरा भारत के तमाम दर्शकों को कि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ अयोध्या की सुरक्षा की भी प्रतिष्ठा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया निशांत कि जो तमाम VIPs का मूवमेंट होना है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, उसी के मद्देनजर ये साफ कर दिया गया था कि 21 जनवरी के बाद यहां पर कोई भी बाहरी नजर नहीं आएगा और ऐसा होता हुआ देख भी रहे हम। यही वक्त अगर आप कल की बात करते तो आपको यहाँ पर कई आम लोगों की भीड़ नजर आती जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा का जिक्र चूंकि आपने किया तो देखिए वहां पर आपको सुरक्षा की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर पुलिस कर्मी आपको दिखाई देंगे बड़ी तादाद में, जो यहाँ आने वाले जितने लोग हैं उनसे ये जरूर पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं। हो सकता है तो उनका पहचान पत्र भी देखा जा रहा है कि वो अयोध्या वासी हैं, कहीं बाहर से आए हैं, क्योंकि ये तमाम वो इलाके हैं जिन्हें अब कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। इन इलाकों को सैनिटाइज करना होगा ताकि यहाँ पर कोई भी VIP अगर आना चाहे घाट पर तो उनके लिए ये इलाका पूरी तरीके से सुरक्षित हो। ऐसे में जो गाड़ियों का मूवमेंट है उसे भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कोई भी गाड़ी यहाँ वहाँ बिना पास के बिल्कुल नहीं जा सकती है। निशांत,